श्रावक के जीवन में विवेक भी होता है और श्रावक के जीवन में आचरण भी होता है। श्रद्धा, विवेक और आचरण तीनों का समन्वित रूप है, वो है श्रावक। तो ऐसा जो श्रावक है उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसका जीवन कैसा होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक श्रावक सदाचारी होगा, न्याय नीति पर चलेगा, अर्थोपार्जन करेगा तो वो भी धर्म पूर्वक करेगा, न्याय नीति से करेगा, है ना। क्योंकि जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो सकती है लेकिन इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती है, इसलिए सदाचार महत्वपूर्ण है। यदि हम सदाचारी बने, नैतिक बने, तो जीवन की अनेक समस्याएं सहज ही सुलझ जाती, अनेक समस्याएं सुलझ जाएंगी। तो इस तरह से जो श्रावक है उसका खान पान, उसका रहन सहन, उसका आचरण, हर कुछ जो है बहुत ही व्यवस्थित होता है। देखिए, वो खाएगा तो भी उसमें विवेक रखेगा, वो कमाएगा तो उसमें भी विवेक रखेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, एक जैन बालक, जब किसी जैन कुल में, जैन बालक तो, बालक तो जन्म से कोई जैन होता नहीं है, बालक तो बालक होता है भाई, बालक में कोई जैन, हिंदू, मुस्लिम ऐसा कोई जन्म से थोड़ी होता है, बालक तो बालक होता है। लेकिन जैन बालक शब्द जो मैंने बोला वो क्यों बोला, क्योंकि यदि कोई बालक का जन्म किसी जैन कुल में हो जाता है तो वो जैन बालक कहने में आता है, ठीक है। तो जैसे कि किसी बालक का जन्म जब जैन कुल में, जैन परिवार में हुआ, उसके ठीक 40 दिन के बाद, उसके ठीक 40 दिन के बाद सबसे पहली बार उस बच्चे को मंदिर ले जाया जाता है, ऐसी हमारे यहाँ परंपरा है। माँ और बच्चा दोनों को पहली बार जब 40 दिन के बाद मंदिर जाते हैं, बच्चा 40 दिन का बच्चा क्या समझे, वो तो अभूत बच्चा है, बोलना भी उसको आता नहीं, समझे भी नहीं, लेकिन तभी उसके अंदर जैनत्व के संस्कारों का आरोपण कर दिया जाता है। 40 दिन के बच्चे को पहली बार नमोकार मंत्र सुनाया जाता है मंदिर में, नमोकार मंत्र सुनाया जाता है, वो बच्चा उसको सुनता है। अब सुनता है नहीं सुनता है उसको लॉजिक में मत पढ़ना, लेकिन कहने का मतलब उस बच्चे के अंदर संस्कारों का आरोप, उस दिन उसको जैन बना दिया जाता है, कहने का मतलब उसको अष्टमूल गुण दिला दिए जाते हैं। अबोध अवस्था में, गजब की बात है, इसके आगे तर्क फैल है, मेरे पास भी उत्तर शायद नहीं मिलेगा, लेकिन उस अबोध बालक को ही जन्म से ही अष्टमूल गुणों का धारण कराया जाता है। अष्टमूल गुण क्या है, देखो जैसे मुनिराजों के 27 अथवा 28 मूल गुण बताए हैं, उसकी भी कभी चर्चा करेंगे। देखो क्या है, दिगंबरों के अनुसार 28 मूल गुण, श्वेतांबरों के अनुसार 27 मूल गुण, साधुओं के बताए, लेकिन श्रावकों के भी मूल गुण होते हैं, 8 मूल गुण होते हैं श्रावकों के। तो 8 मूल गुण क्या है, कि 8 मूल गुण बिल्कुल एकदम सीधे क्या है, कि 3 तो मकार और 5 उदंबर फल, 5 उदंबर फल और 3 मकार, ये कुल मिलाकर के अष्टमूल गुण है। वैसे तो अनेक चरणान योग के ग्रंथों में अनेक आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से 8-8 अष्टमूल गुण गिनाए हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है उनमें, मतभेद थोड़े थोड़े हैं, किसी ने कईयों को आपस में एक दूसरे में मर्ज करके कुछ नए जोड़ दिए हैं, किसी ने अलग अलग काउंट कर दिए हैं, तो इस तरह से उनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भेद आ सकता है, अंतर आ सकता है। लेकिन उस अंतर को यदि हम गौण कर देवे और मुख्य रूप से मोटे तौर पर कहें तो 5 उदंबर फल और 3 मकार। 5 उदंबर फल क्या होते हैं, कि देखो बड़, बड़ यानी बरगद, बेनियान ट्री, ठीक है, बरगद का पेड़ होता है, एक पीपल का पेड़ होता है ना, बड़, पीपल, उमर, उमर भी ऐसा ही कुछ पेड़ होता है, एक कठुमर होता है, एक पाकर होता है। ये 5 पेड़ों के नाम मैंने आपको बोल दिए, जिनमें से 2 तो अपन को मालूम ही है, बनियान ट्री, बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़। तो ऐसे 3 और भी हैं, एक उमर का, एक पाकर का, एक कठुमर का, ऐसे ये 5 प्रकार के पेड़ होते हैं। इन पेड़ में एक गोल गोल फल आता है, फल कहने में भी अच्छा नहीं लगता, उसका मूल नाम है गूलर आता है, उसको गूलर बोलते हैं, गोल होता है वो, और वो जो उसकी शाखाओं पर लगता है, पेड़ की शाखाओं पर गोल गोल एक फल जैसा कुछ, गूलर नाम की एक चीज लगती है। उसके अंदर बहुत सारे त्रस्त जीव होते हैं, स्थावर जीव नहीं, त्रस्त जीव होते हैं, और वे सारे जो फल होते हैं या गूलर होते हैं वे पककर के पेड़ से नीचे भी गिर जाते हैं।
लोग उनको बीन बीन करके खाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे तृष्ट जीव होते हैं जिनकी हिंसा हो जाती है। तो जैन बच्चा जैसे ही 40 दिन का होता है उसको उन सब का त्याग करा दिया जाता है। ये पांच प्रकार के फलों का त्याग, पांच मूल गुण हो गए, आठ में से पांच मूल गुण यही हो गए। आपको खुद आप इस चीज को चेक कर सकते हैं, कभी आप देखें तो ये बहुत सारे पेड़ों के नीचे गोल गोल फल गिरे होते हैं, कई बार फूट भी जाते हैं गिरने से। नहीं तो आप, मैं तो नहीं कहूंगा कि आप तोड़ के देखें, क्योंकि जीव हिंसा बहुत होती है। कभी टूटते हैं तो आप देखिए उसके अंदर से बहुत सारे मच्छर जैसे बहुत सारे जीव उड़ते हुए दिखाई देंगे आपको, मतलब दिखने वाले जीव, बड़े साइज के जीव, मक्खी मच्छर जैसे जीव, और ऐसे घोर जीव सैकड़ों की संख्या में एक ही गुलर में से निकलते हैं। इतने भयंकर जो जीवों की हिंसा, त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, महापाप का काम है। इसलिए उस फल का त्याग बचपन में ही करा दिया जाता है, आजीवन उसका त्याग होता है। अंजीर एक होता है, ड्राई फ्रूट्स के अंदर एक अंजीर नाम की चीज होती है, वो भी इन पांच प्रकार के फलों में से ही एक फल है, शायद उमर कटुमर या पाकर कोई फल है वो भी। तो इस प्रकार से उसका भी जो त्याग जैन लोगों के होता है, जैन लोगों को उस फल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये जो है पांच ऊदुम्बर फल हैं और तीन मकार है। मकार का मतलब होता है मैं अक्षर से स्टार्ट होने वाले शब्द, मैं फोर मांस, मैं फोर मधु, और मैं फोर मांस मधु और मदिरा, मैं फोर मदिरा। तो इस तरह से ये तीन जो है मकार है, मांस मदिरा और मधु। मांस तो सब जानते ही हैं फ्लैश, और मदिरा वो वाइन होती है, और जो है मधु है वो हनी होता है, शहद। तो ये जो तीन चीजें हैं ये भी जो है बहुघात और त्रस घात से उत्पन्न होने वाली चीजें हैं, इनमें बहुत सारे जीवों का घात होता है। शराब कैसे बनती है कि सैकड़ों जीव की हत्या होती है, उसमें सैकड़ों जीव मारे जाते हैं, क्योंकि जो है अल्कोहल बनता है तो अंगूर अथवा जो है पुराने धान को जो है बहुत ही कई दिनों तक उसको जो है सड़ने दिया जाता है, उसके अंदर बहुत सारे पदार्थ मिला करके और बहुत सारे जीवाणु उसमें छोटे छोटे जो सूक्ष्म दर्शी यंत्र से दिखाई दे रहे हैं, ऐसे सूक्ष्म हमें नहीं दिखाई देंगे अपनी आंखों से, लेकिन बहुत सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं, वो सबको जो है एकदम निचोड़ करके रस बना दिया जाता है, तो बहुत सारे जीवों का घात होता है। तो वो मांस, मांस के अंदर भी प्रति समय जीव उत्पत्ति होती रहती है और मरते रहते हैं उसी के अंदर। तो इसलिए मांस है, मदिरा है और मधु यानी कि शहद है। शहद के बारे में तो शास्त्रों में ऐसा आता है कि यदि एक बूंद का सेवन किया जाए, एक बूंद शहद का, तो समझो कि सात गांव जलाने के बराबर पाप लगता है। एक गांव में कितने लोग होते हैं, कितने पशु पक्षी रहते हैं, सात गांव को जलाने के बराबर जो पाप लगता है वो एक बूंद शहद के सेवन से लगता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। विजिब की बात है, क्योंकि ये जो शहद है इसकी प्राप्ति कैसे होती है कि मधुमक्खी के छत्तों से होती है। बहुत सारी मधुमक्खियां अपने पूरे जीवन की कमाई उस छत्ते के अंदर रखती है, फूलों का रस निकाल करके उस रस को जब अपनी मुंह के अंदर भर के लेके आती है अपने छत्ते में रख देती है, वो मुंह के अंदर उसकी लार उसमें मिक्स होती है। आप देखेंगे किसी भी वस्तु में, कोई भी खाने पीने की चीज में आप अपने मुंह की लार मिला करके रख देंगे तो उसके अंदर जीव उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से वो जीवों का घर है, बहुत सारे जीव उसके अंदर रहते हैं और उन जीवों से ही वो शहद की उत्पत्ति होती है, बहुत ही मुश्किल से है, ठीक है। और उनके पूरे जीवन की कमाई है, उनका परिश्रम की कमाई है, उसको हम ले लेते हैं, कितनी मधुमक्खियां उसमें मर भी जाती हैं, तो इस तरह से वो तो एक तरीके से अभक्ष है। इन अभक्षों को पूरी तरह त्याग देना चाहिए, यही श्रावक के मूल अष्टगुण है। बहुत संक्षेप में, बहुत सरल मैंने आपको बताया, इन पर बहुत लंबी चर्चा भी हो सकती है और शास्त्रों में विस्तार से है, लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में इतना डिटेल से मेरे ख्याल से तो नहीं पूछा जाएगा, है। अब इसमें भी देखो दो चार बातें जो खास है वो और बता देता हूँ कि एक श्रावक को अपने जीवन में 22 प्रकार के अभक्षों का त्याग करना चाहिए। मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि स्किप करूँ ये चीज को थोड़ी सी, है ना, नहीं तो दूसरा विषय रह जाएगा, थोड़ा सा मुझे दूसरी बात भी बतानी है, लेकिन चलो मैं थोड़ा सा 2 मिनट में सारा, क्योंकि 37 हो गए, मैं 2 मिनट में करता हूँ पूरा। देखिए एक श्रावक को 22 प्रकार के अभक्ष हैं, उनका त्याग करना चाहिए। अब आप ये चक्कर मत पड़ो कि मैं पूरे 22 गिनाऊं, आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखो आपको यदि एग्जाम पूछे कि अभक्ष कितने, तो आप बोलना 22, 22 बस सीधा। अभी अभी क्या इस वक्त नहीं है इतना सब इसलिए बताने का, ठीक है।
और एक श्रावक को रात्रि भोजन नहीं किया जाना चाहिए, छान के पानी पीना चाहिए, प्रतिदिन देव दर्शन करना चाहिए। हालांकि जैनों के कई प्रकार हैं, कुछ स्थानकवासी है, कुछ तेरापंथी हैं, है ना, श्वेतांबरों में, तो ये मूर्ति पूजा और मंदिर में विश्वास नहीं करते हैं, तो उनकी बात अलग है। ये चीज साथ में इसमें मतलब जोड़ना। फिर क्या है, एक द्विदल नाम की चीज होती है। द्विदल किसे कहते हैं, कि जिसके दो दल हो जाए, जैसे कई दालें हैं, जैसे चने की दाल है और भी कोई दाल है, आप उसको देखें बीच से दो टुकड़े बराबर के लेवल से हो सकते हैं, है ना। तो जो जिन चीजों के दो दल हो सकते हैं, ऐसी चीजों को दही के साथ अथवा छाछ के साथ मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, है ना। अब जैसे दाल से बड़ा बनता है, बड़े के अंदर जो है दही बड़ा बना करके लोग खाते हैं, तो दही और बड़ा, तो ये दोनों मिलने के बाद द्विदल हो जाता है और इसके अंदर सूक्ष्म जीवाणु उत्पन्न, सूक्ष्म नहीं, खूब बड़े त्रस्त जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं, कृमि जैसे उत्पन्न हो जाते हैं इसके अंदर, है ना। और लंबी बात है, मैं अभी छेड़ नहीं पा रहा हूं, हमने इसको प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं, मतलब, और लोग करते भी हैं इसको, है ना, उसके बहुत लंबी बात है, जाने देते हैं। तो इस तरह से, लेकिन इसमें एक तर्क ये आता है कि ठीक है, आप द्विदल नहीं लेते हैं, जमीकंद भी नहीं खाते हैं, जमीन में उगने वाली चीजें भी नहीं लेते हैं, लेकिन जमीन में तो मूंगफली, जो सिंगदाना जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र में, वो भी तो होता है जमीन में ही, फिर उसको क्यों खाते हैं। तो उसका एक लॉजिक, सबसे बड़ा लॉजिक है, वैसे जो आप में से कोई भी बताएगा तो ये कहेगा कि भाई मूंगफली के ऊपर छिलका है इसलिए नहीं, चल जाएगा वो, लेकिन वो तो एक छोटा सा ही कारण है सर, उसमें तेल रहता है। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने उत्तर बताया कि वो जो छिलका है वो तो बहुत माइनर कारण है, लेकिन मेजर जो बड़ा कारण है वो ये है कि मूंगफली के अंदर तेल होता है, और जिस द्रव के अंदर तेल होता है उसमें जीव उत्पन्न नहीं होते जल्दी से, ये उसकी खास बात है। इसलिए मूंगफली का सेवन किया जा सकता है, लेकिन बाकी जमीकंद का सेवन नहीं किया जा सकता। इस तरह से ये कुछ सामान्य श्रावक के आचरण की बात हुई। ठीक है, अब ये विषय को यहीं क्लोज करते हैं, और अभी अपने पास 21 मिनट शेष है, इन 21 मिनट में मुझे एक छोटा सा विषय और लेना है आपको, ठीक है। उस विषय का नाम है षड आवश्यक, छह आवश्यक, श्रावक के करने योग्य छह आवश्यक। आवश्यक क्या है, कि आवश्यक शब्द जो है इसमें मूल शब्द है अवश्य, जो काम अवश्य किए जाए, जिन कार्यों को करने की अनिवार्यता है उनको कहते हैं आवश्यक, अवश्य करने योग्य कार्य वह आवश्यक। कितने हैं, कि छह हैं, श्रावक के लिए भी छह काम है और मुनिराज के लिए भी छह काम है, दोनों के अलग अलग हैं, श्रावक के सट आवश्यक अलग हैं और मुनिराज के सट आवश्यक अलग हैं, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। कुछ श्वेतांबर दिगंबर में भी फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन है फर्क। तो वो जो छह आवश्यक हैं वो कौन से हैं, किस तरह से हैं, तो आप देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि एक श्रावक को अपने जीवन में हर रोज देखो, ये आवश्यक कब है, आवश्यक किस दिन करने के, कि हर रोज करने के, हर रोज करने के, प्रतिदिन करने के। भजन बिना भोजन नहीं और स्वाध्याय बिना शयन नहीं, ये सीधा सिद्धांत है। कहने का मतलब, आप देव, शास्त्र, गुरु, इन तीन को जो है प्रतिदिन ध्यान नहीं करते, इनको आदर्श नहीं बनाते, तो आप श्रावक ही नहीं है। ये श्रावक की पहली शर्त है, पहली शर्त है। वीर प्रभु कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा, दिन में भोजन छान के पानी नित्य जिना ले जाएगा। ये हालांकि सब पर लागू नहीं होता है, हमारे जैन समाज में जो दिगंबर श्वेतांबर और उनमें भी जो पंथ है अनेक, तो ये सब पर लागू नहीं होता है, लेकिन कहीं मैंने सुना है इसलिए मैंने आपको सुनाया। तो कहने का मतलब, ये श्रावक की पहचान है कि वो क्या है, देव, शास्त्र, गुरु की उपासना जरूर करेगा, ठीक है। तो इन छह आवश्यकों में जो सबसे पहला आवश्यक है वो देव पूजा है। सबसे पहला आवश्यक है देव पूजा। देव किसे कहते हैं, देव का सच्चा स्वरूप क्या है, उसको जानना ही उनकी सच्ची पूजा है। मैंने इधर उधर की भूमिका बनाए बिना सीधे सीधे एक लाइन में ही ये पूरे का सार बता दिया। अब मैं भले ही आधा घंटा भी देव पूजा समझाऊं ना, तो उसको आप एक तरफ रख दो और एक ही सेंटेंस में सब बात आ गई। मैं फिर से रिविजन कर देता हूँ। देव पूजा क्या, कि भगवान के आगे कोई सामग्री चढ़ाना, दान देना, उनकी साथ भक्ति करना, खूब ये करना, पूजा करना, प्रक्षाल करना, मंदिर जाना, इसको देव पूजा नहीं कहते, बल्कि देव का सच्चा स्वरूप समझना, वही देव की सच्ची पूजा है। क्यों,
क्योंकि हमने देव का सही स्वरूप नहीं समझने से बड़ी भारी भूल करते हैं। हम मंदिर भी जाएंगे, भगवान के सामने भी जाएंगे तो हम कहेंगे हे भगवान मेरा ये काम सिद्ध हो जाए, हे भगवान मेरा ये हो जाए। अरे भगवान वीतरागी हैं, वो क्यों करेंगे आपका सिद्ध काम, आप उनसे क्यों मांगते हैं? एक तो आपने भगवान का सही स्वरूप नहीं जाना, पहली गलती तो वहां की, दूसरी गलती यहाँ की कि आपको अपने पाप पुण्य पर भरोसा नहीं है। वो क्यों नहीं, यदि आपके पाप का उदय है तो आपको वो वस्तु नहीं मिलेगी, और आपके पुण्य का उदय है तो बिना मांगे ही मिलेगी, तो फिर मांग क्यों रहे हैं? भगवान के सामने याचना करना ये भगवान की भक्ति नहीं बल्कि भगवान का एक तरीके से अवमानना है। ये बहुत बड़ी बात है, हम भगवान के सामने जाएं तो भोगों की भीख नहीं मांगे। हम भगवान की आराधना करते हैं, आराधना मंदिर में जाके करें ऐसा भी जरूरी नहीं है, हालांकि करना चाहिए, मैं इसका निषेध नहीं कर रहा हूं, मंदिर यथासंभव जाना चाहिए, लेकिन आप मंदिर ना भी जाओ लेकिन भगवान को अपना आदर्श बनाया हुआ है तो आप ज्यादा श्रेष्ठ हैं। मंदिर इसलिए जाना कि हम भगवान को भूल ना जाएं, इसके लिए मंदिर जाया जाता है। हम उन अच्छा चलो आदर्श क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम उन जैसा बनना चाहते हैं, जो जैसा बनना चाहता है उसका वही आदर्श होता है। एक छोटा बच्चा है वो किसी फिल्मी हीरो का फोटो अपने कमरे में लगाता है, क्यों? क्योंकि उसको वो हीरो पसंद है, वो उनको अपना आदर्श मानता है, और उसकी जैसी हेयर स्टाइल रखता है, उसकी जैसी बातें करता है, तो वो उस जैसा होना चाहता है। तो हम क्या होना चाहते हैं कि हम भी अरहंत सिद्ध बनना चाहते हैं, इसलिए हमारे आदर्श अरहंत सिद्ध होने चाहिए, अरहंत सिद्ध होने चाहिए। ये जो है हमारी देव पूजा का सही स्वरूप है। देखो कैसा है सही स्वरूप, उनके गुणों का स्वरूप विचार करना, कैसे हैं अरहंत, कैसा है उनका ज्ञान दर्शन सुख बल, उसका स्वरूप विचार करना, कैसी है उनकी वीतरागता, कैसा है उनका केवल ज्ञान, उन सब की बातों को विचार। केवल ज्ञान का विचार करने से बहुत निश्चिंता आती है, केवल ज्ञान में तो अनंत पदार्थ अनादि निधन सब वस्तुएं झलक रही है, जब जो होना है वो सब भी झलक रहा है, तो फिर मैं क्यों चिंता में पड़ूं, ऐसी बात भी हमको देव पूजा से समझ में आती है। तो देव पूजा प्रतिदिन, देव दर्शन, देव पूजा, देव का स्मरण। चलो देखो कुछ स्थानक वासी भाइयों को, तेरापंथी भाइयों को शायद ये बात नहीं समझ में आ सकेगी, क्योंकि उनके यहाँ पर मंदिर नहीं मांगना, मूर्ति पूजा नहीं मानी, कोई बात नहीं है, आप देव पूजा शब्द की जगह देव स्मरण शब्द कर दो, कोई बात नहीं है, होगी सॉल्यूशन। आप घर में रहो, स्थानक में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन देव का स्मरण तो करो प्रतिदिन, ये श्रावक की अनिवार्य शर्त है, पहली शर्त है, ठीक है। ये केवल स्थानक भाइयों के लिए, जो 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 मंदिर मार्गी है वो तो जरूर मंदिर जाए, ठीक है। तो ये है पहला आवश्यक। मैंने बहुत सारा इसमें, क्योंकि समय अपना तेजी से हो रहा है, 15 मिनट ही बाकी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पूरा कर रहा हूँ, है ना। सरल भी है विषय एकदम, मैं समझता हूँ सब आपको आता भी है, एमए करके आए हो आप, सुना होगा पहले भी सब, इसलिए है। तो पहला आवश्यक है देव पूजा, दूसरा आवश्यक है गुरु उपासना, गुरु की उपासना। गुरु की उपासना कैसे करना, कौन होते हैं गुरु, क्या है उनका स्वरूप, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो एक श्रावक, देव, शास्त्र, गुरु, ये तीन चीजें तो कंपल्सरी है, और छह आवश्यकों में से तीन यही है, तीन यही है, पहला तो देव है ही, दूसरा गुरु भी आ गए। गुरु की उपासना कैसे की जाती है कि साहब गुरु का सही स्वरूप क्या है, गुरु का जीवन कैसा होता है, गुरु हमारे आदर्श हैं, वे मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, हमको भी उसी मोक्ष मार्ग पे जाना है, तो हम भी उन जैसा बनेंगे, आज वे जा रहे हैं कल को हम जाएंगे, तो हम भी उन जैसा बनना चाहते। हमें प्रतिदिन ये विचारना चाहिए, हर श्रावक को प्रतिदिन ये विचार करना चाहिए कि वो घड़ी कब आएगी, वो दिन कब आएगा कि जब मैं मुनिराज बनूंगा। बहुत बड़ी बात है ये, गंभीर बात, बहुत गंभीर बात है, मजाक की बात ही नहीं है, और ये कोरे उपदेश की भी बात नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं, ऐसी बात भी नहीं है, ये हम सबको प्रतिदिन ही विचार करना चाहिए। अरे वो मुनिराज बन गए, क्या मैं नहीं बनूंगा कभी, हमको भी प्रतिदिन ये विचार करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे आदर्श हैं, वे मुक्ति मार्ग के पथिक हैं। अरे सिद्धों का लघु नंदन उनको कहा है, चलते फिरते सिद्ध भगवान कहा है, जैसा आनंद सिद्ध भगवान प्रति समय भोग रहे हैं वैसा आनंद वे साधु जीवन में भोग रहे हैं, गजब बात है। हाँ इतना फर्क है कि वो सिद्ध भगवान निरंतर भोग रहे हैं, ये बीच में अनवरत नहीं है, बीच में जो गैप पड़ता है, कभी कभी अंतर्मूर्त में उस आनंद को भोगते हैं, ऐसा साधु जीवन होता है, रत्नत्रय की साधक होते हैं, और उनका जीवन कैसा होता है कि समस्त लोक व्यवहार से रहित, किसी की जिम्मेदारी नहीं, किसी की जवाबदेही नहीं,
कहीं कोई कमिटमेंट नहीं कि साहब जैसे आज आप ये सारी बातें सुनकर के आज के मुनिराजों पे लागू मत करना, कई बार लागू नहीं होती है, क्योंकि होता क्या है और होना क्या चाहिए उसमें बड़ा फर्क है। अब क्या होना चाहिए उसकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ध्यान दीजिए कि जो साधु होते हैं समस्त लोक व्यवहार से निरपेक्ष, कुछ मतलब नहीं उनको सारे लोक व्यवहार से, किसी चीज के लिए कमिट नहीं करेंगे कि साहब मेरा 2022 में इधर प्रवास होगा, इधर चातुर्मास होगा, अगले चातुर्मास हम यहाँ आएंगे, हम आपका नारियल एक्सपेक्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। साधु को कहाँ पड़ी है, किसकी जवाबदेही है, कौन सी जिम्मेदारी है, किसका कोई आजीविका, उनका जीवन स्वाभिमान ही होता है, स्वाभिमान से होता है, दीनता नहीं होती है। आहार भी लेंगे गोचरी, जिस श्वेतांबरम गोचरी बोलते हैं, तो वो जो आहार लेंगे तो उसमें भी दीनता नहीं है, याचना नहीं है, कोई देवे और देवे भी विधि पूर्वक देवे तो लेंगे, वनता नहीं लेंगे। अपने शरीर के भी वो आश्रित नहीं है, शरीर के भी पराधीन नहीं है, अपने शरीर में चाहे पीड़ा हो, रोग हो, क्षुधा हो, तृषा हो, कुछ भी हो, 22 परिसे हो, 4 प्रकार के उपसर्ग हो, कुछ भी हो, उन सबसे निरपेक्ष है। देखो मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया, लेकिन इसमें से कुछ एग्जाम के प्रश्न कैसे बन सकते हैं, आपने नोट किया कि नहीं? मैं बीच में आप लोगों से प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि समय भी कम है ना, और आपसे प्रश्न पूछ के समय ज्यादा जाएगा, लेकिन मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ। परिसय कितने हैं कि 22, उपसर्ग कितने प्रकार के हैं कि 4 प्रकार, फटाक से बोल दिया सेंटेंस में, ध्यान नहीं गया होगा कईयों का, इसलिए मैंने आपको अलग से बताया, ये ध्यान से देख लेना इसको। सर, 4 उपसर्ग में क्या आता है? देखो 4 प्रकार के उपसर्ग में मनुष्य कृत आता है, देव कृत आता है, त्रियंश कृत आता है और प्रकृति प्रदत्त आता है। देखो कोई मनुष्य उपसर्ग कर सकता है, कोई पशु उपसर्ग कर सकता है त्रियंश, और कोई जो है देव भी, जैसे कोई व्यंतर वगैरह कोई देव हो वो भी, जैसे कमठ ने किया था है ना, तो इस तरह से देव का उपसर्ग, मनुष्य का उपसर्ग और त्रियंश का उपसर्ग, 3 और 1 चौथा है प्रकृति प्रदत्त, कोई सुनामी आ जाए, आंधी आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, 22 प्रकार के परिसय होते हैं, क्षुधा तृषा वगैरह जी। हाँ जी, तो ये प्रश्नावली आप ग्रुप में डाल दिया कीजिए प्लीज। अच्छा प्रश्नावली, ठीक है मैं ट्राई करूंगा। कल भी आपने जो इतने दिन से बना रहे हैं ना, तो वो बहुत अच्छे प्रश्न रहते हैं और अच्छा, लेकिन अच्छा। वो आपसे हमने कल भी कहा था, वो डाल दीजिए प्लीज, तो हम लोग को हेल्प हो जाए। ठीक है, आप मेरे नहीं, वो ऊपर की डाली है ना, वो तत्व सूत्र की सब डाली है, आप लोग ने किया क्या अटेंड उसको? हाँ, करना आप नहीं, वो तो अटेंड। हाँ तो मैं डाल दूंगा, प्रश्न भी डाल दूंगा, और मेरे पास काफी मैटर है, आप मैं भूल जाऊं तो एक बार मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, तो मैं और डाल दूंगा, ठीक है जी। तो अच्छा सर, थैंक यू सर। तो ये जो साधु जीवन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमको साधुओं की विनय तो करते ही है, वो अलग चीज है, लेकिन साधु जैसा स्वयं होने की भावना भाना वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखो साधु का आहार हमारे घर में होवे, इसके लिए प्रयास करना। कैसे, अब प्रयास कैसे करेंगे, तो जरूरी है साधु आएंगे, हर रोज आते हैं क्या? हर रोज तो मुनि नहीं आते हैं, फिर हम क्यों करें, ऐसा प्रश्न हो सकता है। देखो साधु आए या न आए, लेकिन हमारा कर्तव्य उनका इंतजार करना है। यदि हमने 10 मिनट इंतजार करके भोजन किया है तो समझो साधु को आहार देने के बराबर पुण्य मिला है, गजब की बात है ये। शास्त्रों में ढेरों 500-500 पेज के अंदर साधु जीवन का चित्रण है, गजब का चित्रण है, ऐसा चित्रण है जिसको पढ़ के रोमांच हो जाता है, एक एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं जीवन में, ऐसा लगता है कि अरे ऐसा साधु जीवन तो हमको चाहिए, ऐसा लगता है, गजब की बात है, गजब की बात है। एक चीज देखिए, आज हम सबका जीवन ऐसा हो गया है, खान पान ऐसा हो गया है कि घर में जो खाना हम बनाते हैं यदि अचानक साधु जी आ जाए तो क्या देख पाएंगे हम उनको, इतना शुद्ध बनता ही कहाँ है कि हम उसमें से दे पाएंगे, उनके लिए अलग से बनाना पड़ेगा, अलग से बनाना पड़ेगा तो वो लेंगे नहीं, क्योंकि वो उद्दिष्ट भोजन के आहार के त्यागी हैं। उद्दिष्ट भोजन का आहार क्या होता है, उद्दिष्ट त्यागी, उद्दिष्ट यानी जिसके उद्देश्य से भोजन बनाया गया हो वो है उद्दिष्ट। हम तो साधु आएंगे इस बात के लिए पहले तैयारी करते हैं, क्योंकि हम पहले पता लगता है अरे साधु जी आएंगे कल, ऐसा नहीं। साधु का दूसरा नाम है अतिथि, अतिथि का मतलब है जिसके आने की कोई तिथि नहीं हो, साधु पहले से प्री प्लान नहीं है, पहले से बताते नहीं है, अंतर्मूर्त बात का ही कोई कमेंट नहीं है कि कोई कहे कि गुरुजी आपका जो है प्रवचन रखा 9 बजे, तो वो कमिट नहीं है, हो सकता है 9 बजे हम ध्यान में हो, तो ये तो आजकल जो परिस्थितियां बन रही है वो बात अलग है, लेकिन साधु का जीवन तो अलौकिक होता है, अलौकिक होता है,
अद्भुत होता है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। इतना जबरदस्त साधु का जीवन है कि जिसके बारे में बोलते बोलते उन चरणों में माथा टिक जाए, सच बता रहे हैं, ऐसा गजब का जीवन होता है। तो इस तरह से ये जो है बहुत लंबी बात है, साधु के जीवन पे ही बोलो तो एक घंटा बोल सकते हैं, इतना काम है, बहुत सारी बातें हैं, अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं साधु के जीवन। साधु दो प्रकार के हैं, एक जो है द्रवलिंगी होते हैं, एक भावलिंगी होते हैं, एक कुदे होते हैं, एक सुगुरु होते हैं, है कुगुरु सुगुरु। तो ये क्या है कि कहने का मतलब, अब इनके स्वरूप बताओ तो लंबी लंबी रामायण होती है। आरंभ परिग्रही होते हैं, रागी द्वेषी होते हैं, तो वे कुगुरु हैं, जिनके पास परिग्रह हो, जोड़ते हो, रखते हो, रखाते हो। एक अमीर आए तो उसको आशीर्वाद दे, गरीब की तरफ देखे नहीं, तो वो साधु है क्या? वो साधु नहीं हो सकता। तो क्या है साधु कैसे होते हैं कि ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी से प्रशस्यते। ये लिखा है रत्नकण श्रावकाचार नामक ग्रंथ में आचार्य सुमंत्रभद्र ने लिखा। कैसे होते हैं कि ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, निरंतर ज्ञान की साधना और आत्म की आराधना, बस यही दो काम है उनके पास, और तीसरा कोई काम नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो ये ऐसे जो साधु हैं, अब द्रवलिंगी भावलिंगी क्या है, अब उसकी चर्चा लंबी हो जाएगी, इसलिए उसको छोड़ देते हैं, है ना। विशेष जिज्ञासा हो तो फिर अलग से फिर कभी बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये दो आवश्यक हो गए, अब तीसरे आवश्यक पर आते हैं। तीसरा आवश्यक है स्वाध्याय। स्वाध्याय होता है स्व प्लस अध्याय, स्व माने अपने आत्मा का अध्ययन करना, यानी पढ़ना, अपनी आत्मा को जानने की चेष्टा करना। बताओ मीनिंग तो ऐसा कह रहा है, और करते क्या है हम, पुस्तकें पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं। ग्रंथ को नहीं पढ़ना है, अपने आत्मा को पढ़ना है। आप कहोगे ये कैसे कि ग्रंथ को पढ़ के और ग्रंथ में जो बताया उसको फिर अप्लाई करना है, उसका नाम स्वाध्याय। पूरा ग्रंथ पढ़ते हो तो वो स्वाध्याय नहीं है, वो तो ग्रंथ का अध्याय है, अध्ययन है, समझे कि नहीं। जैसे क्या होता है कि आप नक्शा देख के बताते हो कि यहाँ नदी है, यहाँ गंगा नदी है, यहाँ ये जयपुर शहर है, ये मुंबई है, तो वो नक्शा देख के बोलते हो कि वो मुंबई कहाँ है, वो देखते हो आप। उसी प्रकार ग्रंथ में जो आत्मा का स्वरूप बताया है उसका अनुभव करना, उसको बोलते स्वाध्याय। ठीक, बहुत ऊंचा अर्थ है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, उतना नहीं हो पाए कोई बात नहीं, आप ग्रंथ ही पढ़ लो, वो भी चलेगा। प्रारंभिक भूमिका में ग्रंथ पढ़ना, जैसा जिनवर देव ने जो स्वरूप बताया है शास्त्रों में, अपना पराया भेद विज्ञान जो कराया है उसको पढ़ना, उसको स्वीकार करना, आद्योपांत पढ़ना, विनय के साथ पढ़ना, शुरू से अंत तक पढ़ना, नियम से पढ़ना, हर रोज पढ़ना। स्वाध्याय बिना शयन नहीं, सोना नहीं भोजन, ये स्वाध्याय के बिना। जिस दिन स्वाध्याय नहीं किया वो पूरा दिन पानी में गया, मनुष्य जीवन पानी में गया। हर रोज चाहे एक पेज का ही स्वाध्याय हो, लेकिन जरूर करना चाहिए। स्वाध्याय की बड़ी अद्भुत महिमा है, स्वाध्याय को करने से क्षयोपशम ज्ञान बढ़ता है, जिनवाणी की महिमा आती है, अपने आत्मा की महिमा आती है, अपने आत्मा में विशुद्धि बढ़ती है, कसायों की मंदता होती है, बहुत सारे फल उनके हैं। अब आगम किसे कहते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं, अरे इस पंचम काल में मतलब देव तो नहीं है, लेकिन देव की जो वाणी है वही शास्त्र है, और उस शास्त्र का भी उतना ही सम्मान है जितना कि वो है। देव नहीं है, देव के समान है लेकिन वो, तो इसलिए शास्त्र का स्वाध्याय प्रतिदिन करना चाहिए। अब इसके पांच वेद हैं स्वाध्याय के, स्वाध्याय के भी पांच भेद हैं, पांच प्रकार का होता है। सबसे पहला है वाचना, वाचना मतलब पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, ये भी ले लो, सुनना सुनाना भी ले लो, इसमें पढ़ के सुनाना, खुद भी सुनना, इसको बोलते हैं स्वाध्याय। वाचना पहला नंबर का स्वाध्याय। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने पढ़ना शुरू किया कोई भी एक ग्रंथ पढ़ना, अक्सर लोग क्या करते हैं, सैकड़ों लोगों की एक कॉमन समस्या है, वो बता रहा हूं मैं आपको, कॉमन बहुत लोगों की, कि हमने जोश जोश में क्या किया, इतनी महिमा सुन करके कोई ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दिया, एक दिन पढ़ा, दो दिन पढ़ा, दस दिन पढ़े, फिर बाद में बोर हो गए, छूट गया, सारा शेड्यूल बिगड़ गया, खेल खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको किसी दिन काम आ गया, ठीक है, कभी मिस हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन आप आद्योपांत शुरू से अंत तक उस ग्रंथ को पढ़ो जरूर, छोटा हो बड़ा हो, अपनी समझ में आने का ग्रंथ हो, उसी को स्टार्ट करो, लेकिन करो शुरू से अंत तक, जब तक ना हो जब तक लगे ही रहो, चाहे एक साल लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आद्योपांत पढ़ना, धैर्य के साथ पढ़ना, ये है पहला वाचना। फिर है दूसरा वेद प्रच्छना। बताऊं ना ये सारे, बताऊं कि नहीं बताऊं? प्रच्छना मालूम है कि नहीं आपको? प्रच्छना माने पूछना। किससे पूछना? अपने से छोटे से पूछ सकते हैं क्या? कि पूछ तो सकते हैं, अपन से ज्ञान में बड़ा हो, उम्र में भले ही छोटा हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ज्ञान वृद्ध हो, वयोवृद्ध हो या ना हो चलेगा, ठीक है। किसी की बुद्धि परखने के लिए नहीं पूछना कि भाई देखते हैं इसको आता है कि नहीं,
बल्कि कैसे पूछना, विनय से पूछना, एकदम विनय के साथ पूछना। तो ये दूसरा स्वाध्याय, प्रश्न पूछना भी स्वाध्याय है, सोचो। तीसरा भेद है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब है कि जो कुछ पढ़ा, जो कुछ समझा, उसको बार बार रिवाइज करना, उस पर चिंतन करना। फिर चौथा है आमनाएं। आमनाएं मतलब उसको याद भी कर लेना, कंठस्थ कर लेना, मेमोराइज पूरा। फिर उसके बाद में अंतिम स्टेप है धर्मोपदेश। फिर उसका आप दूसरों को भी ज्ञान कराओ, क्योंकि आपको खुद ज्ञान हो गया, आप दूसरे का भी कल्याण कर दो, ये धर्मोपदेश। तो इस तरह से पांच वेद है। धर्मोपदेश सबसे लास्ट में है, लोग क्या पहले ही धर्मोपदेश। चौथा कौन सा था? तो चौथा है आमना है। पहला है वाचना, दूसरा है प्रश्ना, तीसरा है अनुप्रेक्षा, चौथा है आमना है, और पांचवा है धर्मोपदेश। इस तरह सर आमना है मुझे उनका पालन करना, याद करना, याद करना, धारणा, उसको मेमोराइज, स्मरण कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है स्वाध्याय के पांच वेद हैं। स्वाध्याय अकेले में करो, सामूहिक करो, कैसे भी करो, कुल मिला के तीन हो गए। पहले में देव था, दूसरे में गुरु थे, तीसरे में शास्त्र से। देखो देव शास्त्र गुरु मैंने कहा था ना आपको कि छह में से तीन तो यही हैं, लो तीन तो यही हैं। अब बाकी तीन और बचे हैं, मिनट, एक ही मिनट बची है अपने पास, कोई बात नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ। देखो है ना, संयम, चौथा है संयम। संयम 12 प्रकार का है। संयम कितने प्रकार का? 12 प्रकार, जिसमें छह छह के दो ग्रुप बनाना है, छह छह के दो ग्रुप। पहला है प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। प्राणी संयम भी छह प्रकार का, इंद्रिय संयम भी छह प्रकार का, कुल मिला के 12 प्रकार हो गए। कैसे? कि जो प्राणी संयम है उसमें तो पांच स्थावर ले लेना, पृथ्वी, जल, अपनी अग्नि, वायु, वनस्पति, पांच स्थावर, और एक ले लेना त्रस, तो हो गए छह। क्या हो गए? छह, पांच स्थावर और एक त्रस, कुल मिला के इन छह प्रकार के जीवों की रक्षा करना, इनकी विराधना से बचना, इनकी हिंसा से बचना, उसको बोलेंगे प्राणी संयम। ये छह प्रकार का हो गया, ठीक है। फिर दूसरा है इंद्रिय संयम, वो भी छह प्रकार का, कि पांच तो हमारी ये इंद्रियां है ही, सेंस ऑर्गन्स पांच, और एक है मन, पांच इंद्रियां और एक मन, तो ये छह चीजें हो गई। इन छह चीजों के प्रति विजय करना, इनको जीत लेना, इंद्रिय विषयों को नियंत्रण करना, इनको विषयों की ओर दौड़ने नहीं देना, कंट्रोल में रखना, ये है इंद्रिय संयम। ये भी छह प्रकार हो गए। तो छह और छह 12 प्रकार का ये संयम हो गया, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, ठीक है। अब मैं बहुत संक्षेप में निपटा दिया। अब पांचवा देखो आप, पांचवा है तप। तप भी हर रोज करना चाहिए, हर रोज तप करना चाहिए। कितने प्रकार का है? ये भी 12 प्रकार का है। तप भी 12 प्रकार का है, जिसमें से 6 अंतरंग तप है और 6 बहिरंग तप है। 6 बहिरंग है, 6 अंतरंग है, कुल मिला के 12 प्रकार का तप है। शायद मैंने चर्चा भी की थी ना एक दिन शायद आप लोगों से, कि जैसे अनशन, भोजन नहीं करना, ये पहला तप है। दूसरा तप है अवमोदरीय, भोजन तो करो लेकिन भूख से कम करो, ये उससे बड़ा तप है। देखो गजब की बात है कि भोजन बिल्कुल ना करो तो छोटा तप है, और भोजन आधा करो तो बड़ा तप है। ये जबरदस्त बात है, कह रहे कि एक के बाद दूसरा बड़ा है, दूसरे से तीसरा और बड़ा है, तीसरे से चौथा और बड़ा है, चौथे से पांचवा और बड़ा, उत्तरोत्तर एक से ज्यादा बड़े हैं अगले अगले। इसलिए जितना आगे के नंबर का तप होगा वो उतना ही बड़ा है। सबसे अंतिम ध्यान है बारहवां, बारहवां ध्यान है वो सबसे बड़ा तप है। यदि वो अंतर्मूर्त भी हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। और पहला है अनशन, वो तो करोड़ों जन्म भी करते रहो तो कोई गारंटी नहीं ध्यान आपको केवल ज्ञान होने की। तो इसलिए अनशन तो सबसे छोटा है, लेकिन दुनिया क्या है, यहीं पड़ी है, पहले पे अटके पड़े हैं हम लोग, आगे बढ़ते ही नहीं है कोई। कोई अवमोदर्य करो, कोई वृत्ति प्रसंख्यान करो, कोई रस परित्याग करो। तो छह बहिरंग है, ये बहिरंग है छोटे, पहले बहिरंग का क्रम आएगा फिर अंतरंग का आएगा। दसवां तप है स्वाध्याय। देखो पूरे गिनाने की समझाने की टाइम तो है नहीं, तो मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। दसवें नंबर का है स्वाध्याय। स्वाध्याय तो दसवें नंबर का, यानी बहुत बड़ा तप है स्वाध्याय परमा तप। स्वाध्याय यदि आप स्वाध्याय करोगे तो अनेक कर्मों की निर्जरा होती है, बहुत बड़ी बात है ये। निर्जरा, निर्जरा तो जानते हो ना, कर्म काटना। अरे हम तो आत्मध्यान तो नहीं कर सकते, कम से कम ये ही कर लेवे, तो ये समझ में आई क्या? तो क्या होता है, जो तप है उससे कर्मों की निर्जरा होती है, और ये जो तप है वो क्या है, स्वाध्याय भी परम तप है, और ध्यान तो वास्तव में ही परम तप है, वो तो अंतर्मूर्त में ही कर्म सारे काट देगा। तो इसलिए
जो ये तप है ये बाहर में जो दिखते हैं वो उनका स्वरूप नहीं बल्कि अंतरंग में जो उनका स्वरूप है। जैसे क्या है कि जैसे मान लो कि वैयावृत्ति कर रहे हैं मुनिराजों की, तो वैयावृत्ति जो कर रहा है उसके तप हुआ कि जो वैयावृत्ति करवा रहा है उसके तप हुआ है? यदि करवाए तो फिर तो बड़े मजे की बात है, चलो तप भी होएगा और सेवा भी करवाएंगे। तो ऐसा नहीं है, सेवा करने कराने का नाम वैयावृत्ति तप नहीं है, बल्कि अपने उपयोग को धर्म मार्ग में लगाना या किसी दूसरे का उपयोग धर्म मार्ग में लगवाने के लिए जो भी क्रिया करनी पड़े, सेवा करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसका नाम वैयावृत्ति है। आपको सेवा दिखती है, सेवा मत देखो, आप तो वो धर्म में लगा रहा है वो देखो, गजब की बात। तो इस तरह से शाश्वत जी, हाँ शाश्वत जी क्या कह रहे हैं आप? सॉरी सिद्धार्थ जी, जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप? हाँ वो बस पिताजी की वो क्लास शुरू अच्छा, हो गई है। अच्छा अच्छा, तो बस मैं दो मिनट का लिंक सेंड कर दिया है हमने, बस दो मिनट में मैं फ्री कर देता हूँ, दो मिनट में कर देता हूँ। हाँ जी ठीक है, ठीक है ना, लिंक भेज दिया है ग्रुप में, सभी लोगों को सूचित कर दे रही हूँ। हाँ जी ठीक है, बस दो मिनट में मैं फ्री कर देता हूँ, है ना। तो तप हो गया, तप 12 प्रकार का है जिसमें 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, कुल मिला के ये पांचवा जो है आवश्यक है। और छठा आवश्यक है दान, छठवा आवश्यक क्या है? दान। ये दान भी 4 प्रकार का है, पहला आहार दान, दूसरा है औषधि दान, तीसरा है ज्ञान दान और चौथा है अभय दान। आहार किसी को कराओगे तो 4-6 घंटे के लिए सुखी हो गया आदमी, फिर भूख लगेगी उसको। किसी को दवाई दे दी तो वो रोग दूर हो गया तो कोई बरसों की चली गई। किसी को ज्ञान दे दिया तो उसका जीवन ही सुधर गया, और किसी को अभय दान दे दिया तो उसके जन्म जन्मांतर सुधर गए। इसलिए ये दान भी अवश्य करना चाहिए। एक श्रावक का ये परम कर्तव्य है कि अपने साधर्मियों की सेवा करे, परजीवों की सेवा करे। अरे इसकी तो बड़ी महिमा शास्त्रों में है, सैकड़ों हजारों पेजों में इसकी दान की महिमा है। दान देने वाला हमेशा सुखी रहता है, उसके कभी कमी नहीं आती है। दान के बहुत पुण्य बनता है, उस पुण्य का जो फल होता है, दान देने से कभी कोई गरीब नहीं होता है। दान से ही संस्थाएं चलती है, दान से धर्म चलता है। तो दान की तो अद्भुत महिमा है, इसलिए दान को भी जीवन में जरूर उतारना चाहिए। बहुत लंबी लंबी बात है, एक एक के ऊपर एक एक घंटे की भी बात हो सकती है, इतना सब है। लेकिन फिर भी मैंने आपको संक्षेप में ये 6 आवश्यकों का स्वरूप बताया है, और अभी समय हो गया इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय जिनेन्द्र। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।